मतलब थोड़ी तार वार मैनेज कर रहा था, और थिंक मेरे से गलती से इस कीबोर्ड की तार खिंच गई, सो अभी कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, वो लाइट नहीं चल रही है। सो क्या मैंने एक और कीबोर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया है? मुझे नहीं पता। सो यस, इट्स मी हु डिस्ट्रॉय टू कीबोर्ड्स इन द मंथ। सो नाउ व्हाट, इट्स शॉपिंग टाइम। Cosmic Byte Veritas कीबोर्ड आ चुका है हाथ में। आज हम लोग करेंगे इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा है ये कीबोर्ड। सो यस गाइस, एज यू नो मैंने अपना पुराना कीबोर्ड जो कि था ये TVS गोल्ड, वैसे कीबोर्ड था काफी अच्छा था, लाइक इसी खटर पटर बहुत अच्छी थी, लाइक भाई इसकी आवाज़ सुनो तुम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये कीबोर्ड मैं लाया था 500 रुपये का और ये एक महीने के अंदर ख़राब हो गया, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद। बट हमारे पास आ चुका है कॉस्मिक बाइट RGB कीबोर्ड। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है बट RGB है, सो दैट्स द बिग पॉइंट, मतलब RGB मतलब 100% FPS। तो क्या करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है ये कीबोर्ड। गाइस ये है हमारा कीबोर्ड, फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे यार मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है, मैं इसको 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको काफ़ी अच्छा रिव्यू दे पाऊँगा आपको। तो काम करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे, ऐसे कुछ पैकेजिंग के अंदर आता है। ये है इसका यूजर मैनुअल जो कि किसी काम के नहीं, इसको हम साइड रख देते हैं। और यहाँ पर ये आता है हमारा कीबोर्ड, इसको एक बार हम ऐसे निकालते हैं। ये काफ़ी अच्छी लगेगा, इधर फोम दे रखे उन्होंने ताकि ये डिस्प्ले ने टूटे वोटे ना। और यहाँ पर ये पन्नी के अंदर हमको मिल जाता है हमारा कीबोर्ड। सो कुछ ऐसा कीबोर्ड हमको देखने को मिलता है, तो काम करते हैं फटाफट से, इसको मैं प्लग करता हूँ अपने पीसी के अंदर और मैं आपको इसकी आरजीबी दिखाता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं, आप इसके बारे में साउंड भी सुन लो। ओके, तो कुछ इस प्रकार की साउंड है। तो काम करते हैं फटाफट से, प्लग करते हैं इसको अपने पीसी के अंदर और देखते हैं कैसी हम इसको RGB को देखने को मिलती है। और एक टीकल कीबोर्ड है, तो उसके अंदर जो नमपैड होता है ना, यहाँ पर जो मेरे को होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता। सो या ये कॉम्पैक्ट साइज का है, तो यहाँ मेरे को माउस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। तो आप काम करते हैं इसको फटाफट से कनेक्ट करते हैं पीसी से और देखते हैं कैसा कीबोर्ड है। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर हमने अपने पीसी को कीबोर्ड से कनेक्ट कर लिया और इस प्रकार से कुछ चालू होता है। एंड दिस इज द RGB मोड यू का डिफॉल्ट, ये है एक डिफॉल्ट RGB मोड है। ओके गाइस, तो अब इस कीबोर्ड के RGB इफेक्ट्स पर अपनी नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन प्लस डिलीट दबाएंगे, तो यह इसका पहला मोड जो कि है वेव मोड, इसके अंदर सारी लाइट्स इधर उधर भगती रहती हैं। और दूसरा सा मोड है, अगर मैं फंक्शन प्लस डिलीट दोबारा दबाऊंगा तो ये सेम मोड आता है, बट थोड़ा सा मतलब इस टाइप का हो जाता है, मोड सेम होता है बट थोड़ा इस टाइप का स्मूथ, थोड़ा जुट अटक अटक के आती है, अब क्या कहूँ। एंड नेक्स्ट मोड है FN प्लस इंसर्ट मोड। FN प्लस इंसर्ट मोड आने पर ये वाला मोड होता है जो कि है सोनिक स्पेक्ट्रम RGB कॉस्मिक बाइट कहता है, जो कि साउंड पर रिएक्ट रहता है। मैं चुप हो जाऊंगा तो ये मंदी हो जाएगी, और जैसे मैं बोलूंगा तो ये काफ़ी तेज लाइट जलेगी, अगर मैं चुप हो जाऊंगा शांत होगा इस कमरे के अंदर तो फिर स्लो जलेगी, जैसे कुछ इस प्रकार करती है। और पंखा चला है तो उस पर भी रिएक्ट करती है। ओके, सो नेक्स्ट इसका मोड है फंक्शन प्लस होम दबाएंगे, तो यहाँ पर आया था सिंगल कलर मोड। सिंगल कलर में सिंगल कलर चेंज कर सकता हूँ एज यू कैन सी पूरे कीबोर्ड पर, और एक आजी वाला मोड भी है। सो या इट्स गुड। नेक्स्ट मोड है यहाँ पर फंक्शन प्लस एंड दबाएंगे। फंक्शन प्लस एंड दबाने से यहाँ पर इसका ब्रीदिंग मोड चालू हो जाता है। ब्रीदिंग मोड लाइक कोई नॉर्मल कलर पे बंद चालू होता रहेगा। एंड अब मैं इसकी फंक्शन प्लस अप एरो की दबाऊंगा तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, और डाउन करेंगे तो मैं इसकी ब्राइटनेस डाउन भी कर सकता हूँ, लाइक इसे ऑफ भी कर सकता हूँ। तो यस ये है। एंड फंक्शन प्लस अगर मैं ये वाली एरो की दबाऊंगा तो लाइक ये स्लो हो जाएगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लाइक ये धीरे धीरे बंद होगी और फिर धीरे धीरे चालू होगी। एंड अगर मैं फंक्शन प्लस ये वाली डालूंगा तो हम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, लाइक फटाफट थोड़ी जल्दी होगी, लाइक अगर मैं फुल करता हूँ तो ये इसकी फुल स्पीड हो जाएगी, जल्दी जल्दी बन चलूँगी। एंड लास्ट में फंक्शन प्लस पेज अप करेंगे तो ये आता है सर कस्टमाइज मोड। फंक्शन प्लस पेज देखिए, अब यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है, ब्लिंक नहीं कर रही है, अभी रेड हो चुका है। मैं फंक्शन प्लस पेज अब दोबारा दबाऊंगा, यहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन प्लस 2 से लेकर 6 तक, लाइक मेरे को इस जोन के अंदर मेरे को लाइक ब्लू रेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ मैं पूरा। अब मेरे को फिर ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू कर लिया मैंने। अब यहाँ पर उसके बाद मेरे को लाइक वाइट चाहिए तो मैं यहाँ पर वाइट कर सकता हूँ, इसके अंदर वाइट मोड भी है, मैंने यहाँ पर वाइट कर ली। अब मेरे को यहाँ पर लाइक मेरे को बाकी में ग्रीन चाहिए तो यहाँ पर मैं ग्रीन कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कर ली एंड यहाँ पर ग्रीन कर ली। एंड मैं फंक्शन प्लस वापस से पेज अप दूंगा तो ये सेव हो चुका है। अब मैं फंक्शन प्लस क्या करूँगा, मैं फंक्शन प्लस डिलीट का कोई मोड ही चलूँगा, फिर से फंक्शन प्लस पेज अप करूँगा तो मेरा ये वाला मोड आ जाएगा। बट इस मोड की एक खास बात, एक बुरी बात यह है कि ये कीबोर्ड के अंदर सेव नहीं रहता, जैसे पीसी आपका शट डाउन होगा
या फिर आप कीबोर्ड से पावर ऑफ हो जाएगी और जैसे आप चालोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये थोड़ी बुरी बात है, कॉस्टिंग पैटर करें इसके सॉफ्टवेयर में सेव हुआ था तो काफ़ी अच्छा होता, कीबोर्ड के अंदर सेव हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, बट चलो छोड़ो 1200 रुपये की बोर्ड, 1000 रुपये की बोर्ड और क्या लोगे। एंड इसका लास्ट मोड फंक्शन प्लस पेज डाउन करोगे तो एक कीबोर्ड ऑफ हो जाते हैं, अगर आपको RGB नहीं दिखानी तो यस यहाँ पे कर सकते हो। एंड फंक्शन प्लस डिलीट वापस आपकी ये वाली लाइट चालू हो जाएगी। मैं ये वाला मोड रखता हूँ क्योंकि यार काफ़ी अच्छे लगते हैं वाला, लाइक लाइट ही होती रहती है तो काफ़ी अच्छा ये कीबोर्ड लगता है मेरे को। ओके गाइस, तो ये था इस कीबोर्ड का पूरा ओवरव्यू, आई होप आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। और यार ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, ये कीबोर्ड अमेजोन पर मिलता है 1000 से 1200 रुपये का, बट ये मेरे को जब मिला था सेल के अंदर 900 रुपये का और मेरे को एक कूपन नहीं मिल गया था 140 रुपीज़ का, तो ये कीबोर्ड मेरे को पड़ा 760 रुपीज़ का। एंड 760 रुपीज़ के अंदर ये कीबोर्ड एक बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा, मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कीबोर्ड खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी एफिलिएट लिंक पिन कर दूंगा, अगर आप उस लिंक से खरीदते हो उस कीबोर्ड को तो उस चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इस कीबोर्ड को खरीदना चाह रहे वाले हो तो प्लीज़ इस कीबोर्ड को मेरी लिंक से खरीद देना, थोड़ी चैनल को बेनिफिट हो जाएगा और आपके भाई को मदद मिल जाएगी। गाइस, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। एंड देखो मैं इस वीडियो पर टेक्निकल वीडियोस बनाता नहीं, मैंने कीबोर्ड लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। सो या वैसे आपको मेरे चैनल पर माइनक्राफ्ट रिलेटेड और बेड वॉर्स रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, और भी गेम्स मैंने खेले हैं और मैं और भी गेम्स खेलूंगा फ्यूचर के अंदर, और डिफरेंट टाइप आपको गेमिंग वीडियोस मिलेंगे चैनल पे। तो अगर आपको गेमिंग वीडियोस देखना पसंद तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सिर्फ कीबोर्ड की वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब मत करना है, अगर टेक्निकल स्टफ इतना नहीं मिलता आपको मिलता है गेमिंग स्टफ। तो या बाय बाय।